हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है अगेन मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अच्छी खासी चल रही है, बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। अपर सर्किट क्यों लगा है ये हम समझेंगे, क्या आपको यहाँ पर स्टेक बढ़ानी चाहिए या नहीं ये हम समझेंगे, क्या आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं, एंड क्या ये फिलहाल ये फेयर प्राइस वैल्यू है या फिर प्रीमियम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं अलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बसेस के ऊपर काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक बसेस मैन्युफैक्चर करती है। एंड बिजनेस से इनका अराउंड 90% बोल सकते हैं, अराउंड 75% तक का रेवेन्यू, मेन रेवेन्यू इस कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक बसेस से ही आता है। सो हम इस वीडियो में इस कंपनी का आज फंडामेंटल एनालिसिस देंगे जिसके थ्रू से पता चल पाएगा कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने लायक कंपनी है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किया। सो अगर हम इसके चार्ट पैटर्न देखें 6 महीने में तो हमें मालूम पड़ेगा कि अराउंड 20% तक जो फ्रेंड्स ये डाउनफॉल हो चुका है, 20% तक। अगर YTD देखें तो अब तक ये 23% तक, ओके 23। अगर हम इसकी 1 ईयर की चार्ट पैटर्न देखें तो 272% का रिटर्न दे चुकी है, बहुत अच्छी रिटर्न फ्रेंड्स 1 ईयर में। जब इसकी 5 ईयर्स की चार्ट पैटर्न देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये स्टॉक जो है लास्ट 2 ईयर्स में अच्छी खासी जंप दी है, अराउंड 1100 से 1200% तक का फ्रेंड्स कंपनी ने रिटर्न दे रखे हैं। 2021-22 की बात करें, 21 तो नहीं, उससे पहले क्रिसिस के समय जब कोविड वगैरह चल रहा था उस समय इस कंपनी का इस कंपनी का शेयर प्राइस अराउंड 63 रुपीज़ के आसपास था। एंड आज अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 638 रुपीज़ हमें फिलहाल ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। बोल सकते हैं आप कितना गुना, आप खुद ही देख सकते हो फ्रेंड्स कितना अच्छा खासा रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिलहाल जो है हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है अराउंड 20-30% तक का जो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न देखें फ्रेंड्स तो हमें पता चलता है कि 2017 में ये स्टॉक हाईएस्ट गया था 176 रुपीज़ के आसपास, दैट मीन्स ये 17 से लेकर 18 के आसपास 253-200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड जब ये कोविड आता है फिर क्रैश हो जाता है, ये क्रैश होकर इतना 60-70 रुपये के आसपास ट्रेड करता है। एंड उसके बाद थोड़ा ऊपर जाता है, जैसे कोविड थोड़ा कंट्रोल में आता है 200 रुपये के आसपास वापस जाता है, फिर थोड़ा सा करेक्शन लेता है। एंड उसके बाद खतरनाक बाउंस बैक, एंड अगर आप देखें तो फ्रेंड्स ऑल टाइम हाई पर रिकॉर्ड तौर पर फ्रेंड्स था 866 रुपये के आसपास फ्रेंड्स ये स्टॉक चला गया था। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिलहाल ये 866 रुपये के आसपास जाने के बाद फिलहाल हमें अच्छा खासा करेक्शन भी होते हुए देखने मिल रहे हैं। कितना परसेंट, लेट मी शो यू द 1 ईयर चार्ट पैटर्न। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 5 ईयर के चार्ट पैटर्न में मालूम पड़ जाता है 30-35% तक का जो फ्रेंड्स हमें पर अभी फिलहाल करेक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है इन द इलेक्ट्रा, दैट मीन्स की इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो फ्रेंड्स 5024 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। 52 रुपीज़ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट देखिए तो लोवेस्ट में 166 रुपीज़ था एंड हाईएस्ट में 941 रुपीज़ तक फ्रेंड्स ये स्टॉक चला गया था। एंड अगर देखें पी रेशियो तो 148 इसका पी रेशियो बहुत ही ऊपर है फ्रेंड्स, बहुत ही हाई पी रेशियो इसको मिला हुआ है। एंड ये एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर की एक कंपनी रही है। अभी इसकी 52 रुपीज़ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट जैसा कि मैंने अभी दिखाया 166 रुपीज़ लोवेस्ट था एंड हाईएस्ट में ये 941 रुपीज़ तक गया था। एंड लेट मी शो यू सम इसके डिटेल्स जो कि आपको आइडिया दे देंगे कि आखिर कंपनी कितनी इंटरेस्टेड है। मार्केट कैप 5240 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अगर हम इसकी फेस वैल्यू देखें तो 4 है, ठीक है 4 इसकी फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो 94 रुपये के आसपास है फ्रेंड्स बुक वैल्यू पर शेयर, समझ सकते हो 94 रुपये इसका बुक वैल्यू पर शेयर है। फिलहाल स्टॉक कितने में ट्रेड कर रहे हैं 600 के आसपास। तो पीबी रेशियो उसी से हमें देखने को मिल रहा है 6.7, अराउंड 7 पीबी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू, बहुत ही हायर प्राइस में फिलहाल ये हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स प्रीमियम प्राइस में फिलहाल ये स्टॉक हमें मिल रहा है। एंड जो भी बाय करेगा उसे हाई वैल्यू, दैट मीन्स की प्रीमियम प्राइस, दैट मीन्स की ओवर वैल्यूड स्टॉक है फिलहाल ये। डिविडेंड रेट की बात करें तो फ्रेंड्स 0.06% की इसकी डिविडेंड रेट है, दैट मीन्स डिविडेंड बहुत ही कम कंपनी देती है। सो इन सब के बाद हम इसके फाइनेंशियल नंबर देख लेते हैं। सो फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें फ्रेंड्स तो हमें मालूम देख सकते हैं आप 2018 में कंपनी की रेवेन्यू थी 161 करोड़, उसके बाद 170 करोड़ हुआ, उसके बाद 2020 में 200 करोड़, 281 हुआ था 2021 में। एंड अगर देखें 2022 में, दैट मीन्स कि अब तक जो है यहाँ पर 593 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की है, हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी है कंपनी ने अब तक 2022 में। सो बहुत ही अच्छी कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें फ्रेंड्स तो 18 में सिर्फ 8 करोड़ की प्रॉफिट थी, 19 में -15 करोड़, 20 में 13 करोड़, 21 में 8 करोड़, एंड 2022 में अब तक 34 करोड़ की कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। बहुत ही शानदार कंपनी नंबर्स दी है लेटेस्ट नंबर्स की अगर बात करें तो। सो लेट मी शो यू द क्वार्टरली रिकॉर्ड्स, क्वार्टरली रिकॉर्ड से पता चल जाता है कि क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। सो एज यू कैन सी 2021, दैट मीन्स की 20 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी ने 143 करोड़ के रेवेन्यू दी थी, एंड उसके बाद 42, उसके बाद 71, 2021 के थर्ड क्वार्टर में 208, एंड 22, दैट मीन्स 2021 के फोर्थ क्वार्टर में 271 करोड़ के रेवेन्यू, दैट मीन्स ये सेल्स बहुत ही अच्छे नंबर से क्वार्टरली रिकॉर्ड्स हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, एंड हमें जंप भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। थर्ड क्वार्टर, दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 की बात करें तो 9 करोड़ था, एंड वहीं इस क्वार्टर 2021 के
फोर्थ क्वार्टर के साथ अगर कंपेयर करें तो एज यू कैन सी 17 करोड़ की फ्रेंड्स कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिया, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट डबल हमें यहाँ पर प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के कंपेरिजन में। एंड वे अगर आप देखिए उससे पहले तो 1 करोड़ था, फिर 3 करोड़, फिर 12 करोड़, लेकिन इस बार अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिल रही है। सो फाइनेंशियल जहाँ तक हमने इतने रिकॉर्ड देखे, जहाँ तक हमने डिटेल्स देखे फ्रेंड्स, हमें पता चलता है कि कंपनी जो है फाइनेंशियली अच्छा खासा बिजनेस दे रही है, सेल्स कर रही है। बहुत पहले तो ऐसा नहीं था, बट 2022 में लेटेस्ट रिकॉर्ड हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। सो इस हिसाब से बट ये पहले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। अब इसके बाद हम देखने देते हैं इसकी बैलेंस शीट। सो फ्रेंड्स आ चुके हम इसकी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट अगर देखें फ्रेंड्स, रिजर्वेंस सरप्लस कुछ समय पहले 17-18 के आसपास 167 करोड़ की इनकी रिजर्वेंस सरप्लस थी। एंड उसके बाद हो गई 19 में 659 करोड़ की, उससे पहले 18 में 628 करोड़ की, उसके बाद 711, एंड उसके बाद अगर देखें 2021 में 748 करोड़ की कंपनी की रिजर्वेंस सरप्लस हमें देखने को मिली। अच्छी खासी जंप है। लॉन्ग टर्म बॉरोइंग की अगर बात करें तो पहले 9 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ था, लेकिन इस बार 2021 में 52.46 करोड़ की कंपनी की लॉन्ग टर्म बॉरोइंग है। लॉन्ग टर्म बॉरोइंग अच्छी खासी हम देखने को मिली। शॉर्ट टर्म बॉरोइंग की अगर बात करें तो 21 में 13.50 करोड़, उससे पहले जस्ट 4.17 करोड़ था, उससे पहले 20 करोड़ के आसपास, उससे पहले 2062 करोड़ था 2017 की अगर बात करें तो। सो क्या कंपनी के पास इन लोन्स के अगेंस्ट में कैश है? सो लेट्स सी। एज यू कैन सी, जी हाँ फ्रेंड्स, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है। 197 करोड़ की कंपनी के पास कैश है, उससे पहले 135 करोड़ था, उससे पहले 98 करोड़। लेकिन अगर देखिए तो बहुत ही बड़ा नंबर, दैट मीन्स कि ट्रेड रिसीवेबल जो है 366 करोड़ देखने को मिल रहा है। ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है, दैट मीन्स कि ये कंपनी जब बिजनेस करिए तो उन्हें जो है पूरा का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, अच्छा खासा पैसा यहाँ पर हमें पेंडिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। ट्रेड रिसीवेबल जो कि इन्हें मिलने वाला है, मिल सकता है, जो कि अभी तक मिला नहीं है। सो ये पैसा अगर इन्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए तो फ्रेंड्स इनका ट्रेड रिसीवेबल, दैट मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत ही अच्छा हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिल सकता है। सो फाइनेंशियल एंड बैलेंस शीट की बात अब हम देख लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर देखें तो 50.02%, बहुत अच्छी बात है। पब्लिक की होल्डिंग अगर देखें तो 41.19%, एंड FIIs की होल्डिंग है 8.75%। FIIs यहाँ पर इंटरेस्टेड है। क्या पब्लिक की होल्डिंग में कोई बड़े इन्वेस्टर्स हैं? से देखने के लिए हमें क्लिक करना होगा। एंड एज यू कैन सी, बॉडीज कॉर्पोरेट ने अराउंड 8.51% की होल्ड किया है। उसके बाद ज्ञानमय इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लिमिटेड, दैट मीन्स कि FIIs, दैट मीन्स कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो फ्रेंड्स यहाँ पर होल्ड किया है पब्लिक सेक्टर में। FIIs की अगर बात करें तो फ्रेंड्स जुपिटर इंडिया फंड ने अराउंड 1.72% होल्ड किया है, उसके अलावा 3.79% के आसपास। सो इसके बाद देख लेते हैं कि क्या प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्लेज में है। सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, जीरो, देर इज नो प्लेज इन द प्रोमोटर्स की होल्डिंग। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर प्लेज में होता तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें फ्रेंड्स, 2020 के फोर्थ क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 55% थी, वही इस बार गिर करके 50% के आसपास हो चुकी है। एंड लेट मी शो यू द FIIs की होल्डिंग। सो अगर आप देखें तो फ्रेंड्स FIIs की होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ी है, 3% थी पहले एंड अब बढ़ करके 8.75% हुई है। सो यहाँ पर ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए पब्लिक की होल्डिंग खास बढ़ी नहीं होगी। प्रोमोटर्स ने जब अपना स्टेक्स होल्ड किया तो उसे किसने बाय किया? उसे बाय किया है FIIs ने। सो प्रोमोटर्स के पास से गया FIIs के पास। तो फ्रेंड्स इससे आप घबरा नहीं सकते हैं, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बड़े इन्वेस्टर से एक दूसरे इन्वेस्टर से बात गया। लेकिन यही नंबर अगर आपको यही अगर पब्लिक के पास आ जाता तो थोड़ा आपको अवेयर, दैट मीन्स कि अलर्ट होना पड़ सकता था, बट यहाँ पर ठीक ठाक है। अगर देखें तो फ्रेंड्स पहले था 41.29% के आसपास, एन आई वी जो है वही अराउंड 41.19% के आसपास जो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स एज पर द फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ तक हमने के फाइनेंशियल नंबर देखे एंड बैलेंस शीट देखे, कंपनी हमें ऑलमोस्ट ठीक ठाक देखने को मिल रही है। एंड जैसा कि हमने देखा 2022 में कंपनी के सेल्स अच्छी खासी में बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज ये है कि कंपनी जो फिलहाल ये प्राइस दिखा रही है 600 प्लस की, ये इसे सस्टेन कर सकती है और भी कुछ लंबे समय तक। लेकिन बता दूं कि फ्रेंड्स हाँ, शायद ये और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन बता दें जैसा प्रेशर है मार्केट में, एंड अगर कंपनी गलती से अगर क्वार्टरली इसके नंबर थोड़े बहुत भी अप डाउन होते हैं तो शायद ये वापस अच्छी खासी डाउनफॉल दे सकती है, अराउंड 200 के आसपास वापस ये जा सकती है। तो क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? जी हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, अच्छी खासी कंपनी है। ई व्हीकल्स में, मीन्स कि वो भी ई इलेक्ट्रॉनिक बसेस के ऊपर ये काम करती है, एंड जैसा कि आपको पता है फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। आने वाले समय में ई बसेस के साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, सो यहाँ इन्हें फायदा हो सकता है। एंड एज यू कैन सी फ्रेंड्स, जहाँ तक मैंने आपको दिखाया यहाँ पर हमें फिलहाल अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। सो अपर सर्किट के दौरान आप तो बाय नहीं कर पाते हो, सो वेट फॉर सम कुछ समय के लिए वेट कर लो, और क्या अगर आपको मौका मिलेगा ऐसे सेल करने का, दैट मीन्स बाय करने का, तो आप उस समय बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखें उससे पहले तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स हमें नॉर्मली 4-5 दिन से, मतलब इस आज वाले दिन से पहले हमें यहाँ पर नॉर्मल ट्रेड ही होते हुए देखने को मिला था। सो क्या हुआ कि आज वाले दिन हमें यहाँ पर अचानक से अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला।
ये रीज़न ये है कि आज वाले दिन ना फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा डील, ब्लॉक डील हुआ था। हम बोल सकते हैं ब्लॉक डील, कितना मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ शेयर से अच्छी खासी नंबर्स ऑफ शेयर से यहाँ पर फ्रेंड्स ब्लॉक डील हुई थी, एंड दैट्स वाई लैक्स ऑफ शेयर की डील हुई थी। दैट्स वाई यहाँ पर आपको जो है फ्रेंड्स अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है, एंड हो सकता है कि आने वाले समय में आपको अगेन और एक दो अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिले। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, एंड लेट मी शो यू। सो फ्रेंड्स जहाँ तक हमने देखा, ये फिलहाल ना फ्रेंड्स बहुत ही हायर प्राइस में ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट प्रीमियम प्राइस पे फिलहाल हमें ट्रेड होते देखने को मिल रहा है। जहाँ तक हमने देखा इसके PV रेशियो वो 6 है, एंड इसके अलावा PE रेशियो हमें 100, दैट मीन्स 150 के आसपास PE रेशियो मिल रही है। सो अगर आप बोल रहे हैं देखा जाए तो हाँ फ्रेंड्स बहुत ही हायर प्राइस में फिलहाल हमें ट्रेड होते देखने को मिल रहा है। हाँ, नो डाउट कि यहाँ पर करेक्शन भी हुआ है, सो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि जहाँ हमें 1200% रेशियो देखने को मिलता है वो 700-800% के आसपास हो चुका है, एंड हो सकता है कि आने वाले समय हमें थोड़ा बहुत। सो फ्रेंड्स जहाँ तक हमने देखा कि हमें हायर प्राइस में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, बट स्टिल अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, क्योंकि नो डाउट कि आपको आने वाले समय यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।